तो वेलकम है आपको हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे हम दोनों हस्बैंड और वाइफ और हमारी छोटी सी बेटी है और हमारी मम्मी भी हमारे साथ रहती है और हमारी और एक बेटी है जो कि स्कूबी डूबी है। तो हम घर में डेली व्लॉग्स भी करते हैं और हम ट्रैवल वीडियो भी बनाते हैं। तो हम अपने बेबी के लिए शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे और हम एजुकेशनल वीडियो भी बनाते हैं बेबी के साथ। तो धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आज के वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हस्बैंड ऑफिस गए हैं, उनका ऑफिस में कुछ मीटिंग है और यहाँ पे सुतु बैठ के पॉटी कर रही है, मम्मी यहाँ पे गन लेके खड़ी है स्कूबी को लेके। ये देखिए आज हम चार है घर में, चार लड़की। मैं खाना खिला रही थी इसको, आज इसका पापा नहीं है और यहाँ पे हाथ डाल के रो रही है। अरे बेर करो हाथ क्या है जे हैं हैं मामा मम्मा खाओ बेर करो बेर करो हाथ बेर करो ये देखिए इसका आज बदमाशपन। पापा बाहर गए हैं और ये टूल में बैठ रही है, चल रही है। तो अभी हम लोग नीचे से आए, मैं और सुतु वहाँ पे खेल रही है और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। बाहर बहुत गर्मी है और सुतु का आज पायल पहना दिया है और इसका आईब्रो बना दिया है। ये देखिए सुतु का न्यू लुक, न्यू आईब्रो। तो सुतु का नहाना हो गया आज, जल्दी यहाँ बैठ के खेल रही है। अभी मम्मम खाएगी और मम्मी यहाँ पे आज का रेसिपी बना रही है खाने का। कटिंग वटिंग हो रहा है, उसको भी यहाँ पे है वो कर रही है। तो सुतु का सेरेलैक्स भी रेडी हो गया है, अभी मैं सेरेलैक्स देती हूँ। तो हाय गाइस, ये सब वीडियो जो है ये अनु का स्कूल का है, तो ये सब हम आपको शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो हमने जितना भी हमने वीडियो हम कर पाए वही आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हम अपने वीकेंड्स में और ये लास्ट टू वीक्स हमने वीडियो कुछ भी नहीं किया और उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये देखिए। तो अनु के स्कूल वाले फील्ड एक में लेके गए थे, घर के पास एक फील्ड है तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल जो भी ये एरिया में है वो सब जाके ये सब फंक्शन हुआ। तो ये रिपब्लिक डे का फंक्शन है, आप देख सकते हो। तो अनु ने यहाँ पे सिर्फ वीडियो किया, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हाय गाइस, कुछ दिनों से हम वीलॉग नहीं बना पा रहे और उसका रीज़न ये है कि मेरा ऑफिस था और मैं ऑफिस जा रहा था और ऑफिस से भी आ रहा था, तो ये सब भी हुआ। प्लस हम सोचे कि वीकेंड्स में हम वीडियो बनाएंगे, बट वीकेंड्स में भी एक एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे स्नेक मारने का जो मेडिसिन जो लिक्विड जो रहता है जिसका नाम है कार्बोरिक एसिड, तो वो हम अपने गार्डन में रखे थे और ये बहुत पुराना वाला था, पुराने घर से हमने ला के रखा था। और वहाँ से ला के रखने के बाद शुतु जाके उसको ले लिया, छोटे बच्चे मतलब वो छुपा हुआ था, लेकिन वो कहाँ से वो निकाल ली, निकालने के बाद में वो गिरा के अपने पैर जो है पैर का स्किन थोड़ा सा जला ली। तो फिर हम इमीडिएटली हॉस्पिटल गए जाके चेक सब कुछ करके देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि वो कुछ नहीं है, वो स्किन फिर से आ जाएगा, लेकिन बहुत ही मतलब हम उदास थे। तो उसके लिए हमने कुछ वीडियो या कुछ भी हमने किया नहीं है, तो अभी भी रिकवरी चल रहा है उसका। तो आप प्रे कीजिए कि जल्दी वो ठीक हो जाए। वैसे डरने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जो स्किन जो है वो स्किन थोड़ा सा बर्न हो गया है, जैसे गर्म पानी गिरने से जैसे बर्न होता है। बट मैं फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये अभी ठीक है, अभी ठीक ही चल रहा है। और जो अभी करंट कंडीशन जो है वो भी मैं आपको एक वीडियो करके दिखाऊँगा।
तो गाइस हमने एलेक्सा का एक चिमनी लिया है और इसका भी वीडियो मैंने सोचा था डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन एंड ऑल दिस इश्यूज। और नेक्स्ट डे हमारे कुछ दोस्त आने वाले थे हमारे घर, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन था, तो इसके लिए हमने वीडियो मैं बना ही नहीं पाया। तो देखिए ये अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो एलेक्सा का जो इंस्टॉलेशन के जो लोग हैं ये लोग थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने थोड़ा एक वीडियो बनाया है और इसमें आपको बताता हूँ किस तरह से प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ था। सो एलेक्सा पीपल केम एंड इंस्टॉल्ड यस्टरडे, दे इंस्टॉल्ड इट लाइक वे हाई एंड इट वाज नॉट इवन टेकिंग द स्मोक एंड एवरीथिंग टू द चिमनी। So yesterday I asked him that within the installation kit if you know clamps are also included, and the customer care said that yes, clamps and everything is included. And yesterday when they came for installation they said no, clamps and nothing are included, only the pipe is included, and that too 1300 rupees. So I paid them 1300 rupees with that no clamp and see what they have done. Yes, so yesterday they said that okay sir, tomorrow I'll come and tomorrow I will install, I'll put the pipe, like fit the pipe to the wall, and you don't need clamps because for clamps you'll have to pay 500 bucks for each clamps, or some sorry not 500, some 150 rupees for each clamp, and which is not even part of the kit, installation kit, and extra 590 rupees, that is for installation, that is fine. But see what they have installed. Yesterday he told me he'll just bring some wires and then just, you know, tie it around the pipe. So this is what he has done. And when I asked him to put one more here, he's saying that no, I don't have wires. And yesterday when I asked him how much do I have to pay again tomorrow when you come, again I have to pay you. So he said, no, sir, we just put two wires and you know, you don't have to pay anything. Today he came and he just installed it way up, and I told him to put it little bit down. He has just shifted from here to here, just 3 inches down. So what he is asking, saying that, sir, I've come from a very long distance, so for petrol expense and all, please give me 100 rupees. So when I told him that why 100 rupees, then he's saying that no, that is for my petrol expense. When I told him that what about yesterday, you told me that you know there is no charges, nothing, and he's saying no, that is for my petrol expense. So Elica as a product, I would say it's good, but they need to work with their installation partner because they are just trying to fraud customers, because this is not done. First of all, you come and install and you do, you know, you give a third graded product and installation kit also, you don't give proper things in the installation kit. Although the product is overall, it's good, I would say, but only for the installation part, I'm not happy. And I'm sure they are doing the same thing with other customers also. So, हमारे कुछ friends हमारे घर आए थे, तो हमारे साथ उन्होंने lunch किया, तो ये थोड़ा सा वीडियो ये सब कुछ वीलॉग के हिसाब से बनाने वाले थे, और लेकिन वही टाइम की वजह से नहीं हुआ और उसी दिन शुतु का पैर जल गया। सो लास्ट 29th ऑफ जैन हमारा एनिवर्सरी था, मन ठीक नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं किया। रिलेटिव्स ने हमें केक भेजा और अनु ने एक केक ऑर्डर किया था, तो बस वही, और बाहर से थोड़ा खाना वाना मंगा के बस खा लिए, बस इतना ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए क्योंकि मन ठीक नहीं था बच्ची का पैर के लिए। तो पैर जल गया, पेन है, फिर भी मेरी बेटी का एनर्जी देखिए, और यही एनर्जी हमको भी आगे जाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहित देती है। तो वीडियो करते यहीं पे ख़त्म गाइस, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू, बाय।